बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। बेटा आज की नई अपडेट है, आप देख सकते हैं कि 10/5/2022 की नई अपडेट देखने वाले। बहुत बड़ी गुड न्यूज है ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंटों के लिए। देखो ये अपडेट जो देख रहे हैं वो यूनिवर्सिटी के लिए खासकर, और जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कॉलेज होते हैं उनके लिए खासकर ये अपडेट है। और वैसे आपके लिए भी ये गुड न्यूज है क्योंकि आपके जो अंक है ये प्रयोगशाला जो कह सकते हैं जो आपका प्रैक्टिकल हुआ है उनके अंक को वेबसाइट पर चढ़ाने की घोषणा की गई है इस अपडेट के अंदर। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखो बोला गया एक नई शिक्षा नीति आपको पता है 2022 के थ्रू चल रही थी, ठीक है। उसके कह रहा है अंतरिम, देखो इसके आंतरिक परीक्षा के अंक, और जो है कह सकते हैं एक है वोकेशनल जो पाठ्यक्रम होता है उसके परीक्षा के अंक वेबसाइट के पाठ्यक्रम पर अपलोड किए जाने के संबंध में ये बोला गया। अब सिंपल तरीके से ध्यान से देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ जाइए, यहाँ उदाहरण बोला गया है। अब यहाँ मैं आपको बता दूँ, यह बहुत है जिसे एक अपील की गई है, मतलब कह सकते हैं जो कॉलेज है महाविद्यालय है उनके बारे में बोला गया है। यहाँ देखिए एक दिनांक था जिसको कह सकते हैं 15/3/2022 को पत्र संख्या ये दे रखी है, और 29/4/2022 को ग्रहण करने का कष्ट करें। उन्होंने बोला गया कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2022 वाली उसके आंतरिक परीक्षा के अंक और वोकेशनल पाठ्यक्रम की परीक्षा के जो अंक हैं वो विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पर 10/5/2022 को निर्धारित है, ठीक है। अद्यापि महाविद्यालय द्वारा आर उपरोक्त पाठ्यक्रमों का अंक पाठ्यक्रम पर अपलोड नहीं किए जाने के कारण उक्त तिथि को दिनांक दो मतलब 20/5/2022 तक अंतिम रूप से विस्तार किया जाएगा। मतलब उन्होंने कहा है कि आपने अभी तक जो अंक मतलब कि बच्चों के अंक यूनिवर्सिटी पर नहीं चढ़ाए हैं तो वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं चढ़ाए हैं तो 20/5/2022 तक आप चढ़ाने के कष्ट करें, यह बोला गया है। उसके बाद में अनुरोध है कि कृपया उपलब्ध निर्धारित तिथि के विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम पर अपलोड किए जाने के सुनिश्चित कष्ट करें। यदि महाविद्यालय चाहे तो कह रहा है महाविद्यालय चाहे तो अतिरिक्त आप महाविद्यालय चाहता है कि प्रयोगात्मक परीक्षा जो आपने उनने प्रैक्टिकल लिए हैं उनके अंक और मुख्य परीक्षा जो उन्होंने परीक्षा ली है बच्चे की एक साथ अंक दोनों अपलोड कर सकता है वेबसाइट पर, ये उन्होंने बताया है, समझ रहे हैं ना। तो ये पूरी प्रोसेस थी आज की जो अपडेट आई है, तो सबसे बड़ी अपडेट थी आपके लिए जो नई शिक्षा नीति फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट थी ये। आपने समझ ली, अच्छी तरीके से जान लिया, और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, तब तक के लिए बेटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।